मैनपुरी क्षेत्र के थाना बेवर का औचक निरीक्षण सतीश गणेश आईजी ने किया, जिन्होंने थाना बेवर में 2 घंटा निरीक्षण किया। जानकारी देते हुए आईजी साहब ने बताया कि निरीक्षण में प्रशासनिक भवन, मालखाना व अभिलेखों के साथ थाने की स्वच्छता को भी देखा गया, जिसमें सब कुछ सही पाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी सरकार की दिशा निर्देश हैं, वह सभी बिंदुओं पर पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में जानकारी दे दी गई है। सर, आज दौरा किया गया, किस तरीके से, क्या आप वार्षिक निरीक्षण के तहत थाना बेवर जनपद मैनपुरी के थाने के निरीक्षण करने में आया था। मेरे साथ में इसके मैनपुरी क्षेत्राधिकारी दोनों उपस्थित रहे हैं। वार्षिक निरीक्षण एक तरीका है जिसमें हम थाने की फंक्शनिंग, जैसे मालखाना है, प्रशासनिक भवन है, जो हमारे कर्मचारियों के रहने के लिए बेस और कार्य की सुविधा है, उसका एक गुणात्मक हम लोग आकलन करते हैं। उसी के तहत मैं इस थाने पर आया था। व्यवस्थाएँ ठीक है और जो कुछ और ध्यान दिए जाने वाली बातें हैं उसके बारे में मैंने विस्तार से कप्तान साहब को पॉइंट शेयर करा। बेवर के बाद उन्होंने भौगांव थाना पहुंचकर थाने का बारीकी से निरीक्षण किया, जहां थाने के रखरखाव, रजिस्टर, मालखाना का बारीकी से निरीक्षण किया। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के साथ पुलिस बल मौजूद रहा। भौगांव पहुंचकर आईजी सतीश गणेश ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। दिया गया है, किन चीजों का लेकर दिया गया? नहीं, देखिए ऐसा है कि पुलिस में वार्षिक निरीक्षण का काफी महत्व है। वार्षिक निरीक्षण इसलिए किया जाता है कि थाने की कार्यप्रणाली का एक परीक्षण हो सके और साथ साथ जिन जो बिंदु हैं जिसमें सुधार संभव है, उन बिंदुओं पे आगे कैसे हमें काम करना है ताकि हमारे कार्यप्रणाली में और बेहतर सुधार आए, उस दृष्टि से ये मुआयना आज यहाँ पे पूर्व निर्धारित था। पिछले सप्ताह हमें आना था लेकिन किसी व्यस्तता की वजह से हम नहीं आ पाए थे, तो आज आए। मेरे साथ में SP मैनपुरी और ASP अंडर ट्रेनिंग आगरा, ये लोग भी उपस्थित हैं और हम लोगों ने विधिवत एक एक जो रजिस्टर हैं उनका पूरा निरीक्षण भी किया है, उसका अवलोकन भी किया है और काफ़ी अच्छी तैयारी मिली मुझे यहाँ पे। और आने वाला समय चूँकि त्योहारों का है और परसों से नवरात्र प्रारंभ हो रहा है और उसके बाद फिर दीपावली आएगी और बहुत सारे त्योहारों की श्रृंखला शुरू होगी, तो उसके दृष्टिगत भी कानून व्यवस्था, विशेष रूप से जो सराफा के बाज़ार हैं या जो भीड़भाड़ वाले मार्केट हैं, क्योंकि खरीदारी बढ़ेगी, लोग बाहर निकलेंगे, तो सुरक्षा कैसे हमें की जाने, इस पर भी हमारी विस्तृत चर्चा हुई है। धन्यवाद।